तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रॉपर्टी सेल पर गई थी और लगभग रात के 8 बजे तक पूछताछ चलती रही। जांच अधिकारियों ने कई सारे सवाल पूछे। शुरुआत हुई आर्म्स प्राइम से। आर्म्स प्राइम के साथ मेरा एग्रीमेंट बना था 26 मार्च 2019 के दिन, और उससे पहले मैं 22 मार्च 2019 के दिन राजकुंद्रा से मिली थी होटल JW मैरियट पर। उस मुलाकात में किस तरह की बातें हुई, एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, एग्रीमेंट के चलते कितने वीडियोस बने, वीडियो शूट के दौरान कौन कौन मौजूद थे, कंटेंट क्रिएशन में कौन कौन शामिल थे, ये सारे सवाल मेरे सामने रखे गए। और राजकुंद्रा की अन्य कंपनियों के बारे में मुझसे पूछा गया, जैसे हॉट शॉट्स, बॉली फेम वगैरह वगैरह, और राजकुंद्रा के साथ क्या संबंध हैं ये भी पूछा गया। एंड मैंने वो सभी जानकारी जांच अधिकारियों के सामने रखी जो मेरे पास थी राजकुंद्रा के बारे में और उनकी कंपनियों के बारे में। एंड वहाँ से निकलने से पहले मैंने सभी जांच अधिकारियों से ये कहा कि यदि वो फ्यूचर में कभी मुझसे फिर से संपर्क करना चाहेंगे तो बेशक कर सकते हैं, और किसी भी सवाल के लिए वो मुझे फिर से बुला सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो सभी विक्टिम्स हैं इस पोर्नोग्राफी रैकेट में, उनको इंसाफ मिले। मैंने अभी तक मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई किसी विक्टिम से। मैं जानना चाहूँगी कि उनसे क्या कहा गया था, उन्हें कैसे गुमराह किया गया था, और मैं चाहती हूँ कि सभी विक्टिम्स, सभी पीड़िताएं आगे आएं और अपना बयान दें, क्योंकि जब तक वो बोलेंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि मोडस ऑपरांडी क्या था। जो कुछ जानकारी थी मेरे पास राजकुंद्रा के बारे में वो सब मैंने प्रॉपर्टी सेल के जांच अधिकारियों से बताया, और कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें भी हुई थी। कल अप्रैल 2021 में मैंने जुहू पुलिस चौकी पर एक शिकायत की थी राजकुंद्रा के खिलाफ। उस शिकायत के बारे में कई सारे सवाल पूछे गए। राजकुंद्रा मेरे घर पर कितने दफ़ा आए, कितनी बार आए और क्यों आए, क्या बातें हुई हमारे बीच में, ये सारे सवाल भी पूछे गए थे। फाइनली कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को, जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो विक्टिम्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं, तो अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो चीज़ों का शिकार हुई। जी देखिए, जब पोर्नोग्राफी के बारे में मैं कुछ कहती हूँ तो लोग बोलते हैं ये देखो 900 बिल्ली खाकर, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। हाँ, 2012 में मैंने प्लेबॉय के लिए शूट किया। हाँ, मुझे बोल्ड कंटेंट शूट करने से कोई परहेज नहीं हुआ करता था, लेकिन जब हम कानून के दायरे से बाहर निकलते हैं, जब कानून का उल्लंघन करना शुरू करते हैं, तब हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। जिनको पोर्नोग्राफी का शौक है वो बेशक करें, देश के बाहर जाकर करें, लेकिन देश के अंदर रहकर, देश की भूमि पर यदि आप पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये कोई भी अथॉरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मेरा उन ट्रोल्स से ये कहना है जो बोलते हैं कि ओहो पोर्नोग्राफी तो हम सब देखते हैं, इसमें क्या बुराई है, अगर आपको देखना हो आप देखें,
लेकिन आप ये ना भूलें कि टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने 2005 में सभी पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इजाजत नहीं देता कि हम किसी पॉर्न वेबसाइट पर जाकर पॉर्न देखें। तो जब देश का ये कानून है, हम देश में रहकर क्यों इसका उल्लंघन कर रहे हैं, और वो भी इतने बड़े स्तर पर क्यों? तो मुझे लगता है कि उन सभी लड़कियों को जिन्हें गुमराह किया गया, उन्हें शायद बिल्कुल नहीं पता होगा कि पोर्नोग्राफी से संबंधित हमारे देश में क्या रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो नहीं करने का अंजाम क्या होता है। इसे कहते हैं गुमराह करना, यानी ये बोलना कि नहीं नहीं इट्स ओके, चलता है, सब करते हैं, सब देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये गलत नहीं है, ये सही है। जब आप इस तरह की जेनेरिक बातें करने लगते हैं तो ये जो नौजवान लड़के लड़कियां होते हैं जो यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, इन्हें लगने लगता है कि ओके, अब अगर राजकुंद्रा ये बात कह रहे हैं कि ये सब चलता है, इट्स ओके, सब कर रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकता है, तो वो इस बात को सच के तौर पर स्वीकार करते हैं। एंड यहाँ से शुरू होता है यू नो मिसलीडिंग का ये जो सिलसिला है। तो मेरा उन सभी विक्टिम्स पीड़िताओं से ये निवेदन है कि आप आगे आएं और बताएं कि आपसे क्या क्या कहा गया था, कैसे आपको अप्रोच किया गया था, कैसे हॉट शॉट्स ने या बॉली फेम ने या आर्म्स प्राइम ने आपको अप्रोच किया और आपको इस दुनिया में आकर्षित किया। आप बताएं, तभी पता चलेगा कि मोडस ऑपरांडी क्या था।